सारे फर्स्ट ईयर वाले आ गए ना? ठीक है, ओपन कर लेते हैं अपना सॉफ्टवेयर और फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम। कुछ भी टाइप करके मैं सेव करूंगा इसको सबसे पहले तो, ठीक डॉट सी, ठीक है। चलिए कंट्रोल है, तो सबसे पहले पहला लाइन का क्या होगा जरा बताइए, मेरे लिखने के बाद ही बताओगे। एस टी एस टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है। चलिए तो अब क्या करें, आई एन टी मेन बना दें। चलिए बना दिए मेन, अब इसके बाद क्या करें, ए नाम का एक वेरिएबल बना लें जी। थ्योरी में तो हमको आपको बता ही दिए थे भूगोल और इतिहास, फॉर लिख देंगे, फॉर लिखने के बाद बंद कर देंगे कर्ली ब्रेसेस वगैरह, और फॉर के अंदर क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू वन, राइट, सेमी कॉलम, फिर ए लेस देन इक्वल टू टेन, हमें 10 तक गिनती प्रिंट करना है जी, फिर ए प्लस प्लस कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, प्रिंट एफ कर देंगे, और फिर डबल कोट में परसेंट डी लगा देंगे ऐसे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा दे के ए लिख दूं, प्रोग्राम को रन कर दूं, चलेगा पक्का, आर यू श्योर, ठीक है। चल जाओ हमारा बेइज्जती मत कराओ, चल गया प्रोग्राम। एक एक लाइन ब्रेक करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इधर स्लैश करके एन लिख देंगे, राइट। चलिए जी बड़ा अच्छा काम है, प्रिंट हो गया 10 तक गिनती, 100 तक प्रिंट करना है तो 100 लिख देंगे। हाँ ये सब तो हम बता ही दिए हैं आपको थ्योरी वगैरह। देखिए 10,000 तक गिनती आ गया, हाँ तो टेबल प्रिंट कर लिया जाए, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, तो क्या हो जाएगा, टेबल प्रिंट हो जाएगा जी, बताया था मैं आप लोग को। हाँ कितने तेजस्वी लोग हैं, बिना बताए ही समझ जाते हैं। चलिए हमें, मैं बताया था आपको बोर्ड में लिखकर कि कौन सा फॉर्मेट में टेबल चाहिए, वो मल्टीप्लाई और इक्वल का साइन वगैरह लगा के चाहिए, बताया था ना। तो अब आप लोग बताइए कि उस तरह से मैं कैसे प्रिंट करूंगा, नहीं समझ में आ रहा है, टूट तो नहीं ना गया, चलिए नहीं टूटा, ठीक है। अच्छा ये फॉर लूप को समझाने का तो जरूरत नहीं है ना, 5 बार समझा चुका थ्योरी में, ए में 1 चला गया, यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ए को प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ए का वैल्यू इंक्रीज करेगा, पहले 1 था अब इंक्रीज करने के बाद 2 हो जाएगा, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा 2 से 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पे आके 4 आएगा। ये भूगोल पढ़ के बोरियत तब लग रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, इसी डुअल कोट के अंदर हमें जो भी करना है, जिस फॉर्मेट में हमको टेबल चाहिए हमको लिखना है, राइट। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए ना, तो उसके लिए लिखेंगे परसेंट डी। अब परसेंट डी किस में, कौन सा किसका वैल्यू परसेंट डी में आएगा, ए का वैल्यू, क्योंकि ए में ही तो 1 2 3 आ रहा है ना, 1 2 3 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, राइट। चलिए फिर उसके बाद क्या साइन आना चाहिए, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैं, राइट। अब फिर क्या आना चाहिए, किसका टेबल हमें प्रिंट करना है, राइट। तो मान लीजिए हमें किसका टेबल प्रिंट करना है, 3 का, मैं हार्ड कोड कर रहा हूं अभी 3, ठीक, मैं बदलाव करूंगा इसमें, ठीक है, तो मैंने 3 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन आना चाहिए, राइट। फिर क्या होना चाहिए, फिर लिखता हूं मैं परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी मतलब किसका आएगा वैल्यू, मल्टीप्लाई होगा जो टेबल आएगा उसका, ठीक। अब आते हैं यहां पे, ए का मतलब ए वाला वेरिएबल, तो पहले ये लिखूंगा तो यहाँ पे परसेंट डी वाले में वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे कॉमा दे दिया, कॉमा देने के बाद क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय 3 जो भी इसका वैल्यू आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस वाले परसेंट डी में, राइट। हमको क्या करना होगा, लाइन ब्रेक भी करना होगा, तो मैं पहले रन करता हूँ फिर लाइन ब्रेक करूंगा। ये देखिए मतलब फॉर्मेट सही नहीं आया, राइट, तो यहां पे क्या करेंगे, स्लैश एन कर दिए, ठीक है,
लाइन ब्रेक कर दूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए जी आ गया ना, मैं क्या चाहता हूँ यूजर से इनपुट लिया जाए, ठीक। यूजर से इनपुट लेकर के बनाना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, एक ठो वेरिएबल और बनाता हूँ, कॉमा देकर के टी किया, वेरिएबल बन गया, राइट। फिर उसके बाद क्या मैं करूंगा यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। फिर यहाँ पे मैं क्या कर दिया, इंटर एन यू एम बी ई आर, ठीक है। चलिए फिर कॉमा दिया, अब यूजर से इनपुट क्या करना है, लेना है हमें, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, स्कैन एफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज दे दूँ ना, नहीं दूँ, दे देते हैं। एंड टी का वैल्यू लेना है तो ले लेंगे जी, ठीक है। चलिए हो गया, अब थ्री के जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टी में आ रहा है ना टेबल का वैल्यू, ठीक। वन टू थ्री जो मैं इनपुट करूँगा वो टी में आ रहा है, राइट। और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, परसेंट डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉमा दे करके टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बदलाव किया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ए में क्या आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट। तो वो वाला इस परसेंट डी में प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा देके मैं टी लिखा हूँ, ए टी का वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे, ठीक है। फिर ए इंटू टी करेगा, ठीक है, इसको कहाँ पे प्रिंट करेगा, इसका वैल्यू यहाँ पे, राइट, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं प्रोग्राम, ठीक है। ये लीजिए, पूछ रहा है इंटर नंबर, मैं डाल दिया फाइव, ठीक है। एंटर किया तो फाइव का टेबल आ गया, राइट। फिर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। इंटर नंबर फोर, फोर का टेबल आ गया, राइट। अब इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, प्रोग्राम तो बन के रेडी है जी। फोटो वगैरह खींचेंगे तो खींच लीजिए, कुछ समझ में ना आया हो तो बता दीजिए। वैसे थ्योरी में तो बहुत ज़्यादा आपको बता दिए हैं, ठीक है। कुछ पूछना है, नहीं पूछना है कुछ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो बताइए, नहीं पूछना चाह रहा है तो बड़ा अच्छा बात है। ये सबसे आसान तरीका था टेबल प्रिंट करने का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अब इसी तरह से प्रिंट करें, दूसरा तीसरा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका था, मैंने बता दिया आपको ये, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है, बंद कर दो, क्या कहते हो, कुछ पूछोगे? चलिए कोई पूछेगा नहीं, मतलब सब मौन है, मतलब सब कोई को सब कुछ समझ में आ गया, राइट। तो आप लोग अब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, हम चलते हैं अब, ठीक है। चलिए,